सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेरे सदारत सूबाई वुजरा का मुशावरती इजलास। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि पंजाब में मरबूत बुनियादों पर नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान, बताएगा कौन कौन से सूबाई वुजरा ने मुशावरती इजलास में शिरकत की है? आमना कटाना, बिल्कुल, सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मियां असलम इकबाल ने भी शिरकत की और इस हवाले से नए बलदियाती निज़ाम पर वजीर आजम के हुक्म पर मुसरी जहती मशावरत का अमल भी जारी किया गया है, जिस पर अलीम खान का ये कहना है कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराना चाहते हैं, जिस पर अभी भी मशावरत जारी है। बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएंगे। पंजाब जैसे बड़े सूबों में बलदियाती इदारों की जरूरत मुख्तलिफ है। इसी तरह अटक से लेकर राजनपुर तक बलदियाती नुमाइंदों को यकसा हकूक देना चाहते हैं, जिस पर उनका यह भी कहना था कि नवाज लीग ने दानिस्ता बलदियाती इदारों को मफलूज कर रखा था और सारे इख्तियार अपने पास रखे हुए थे और सबको बांधी बनाए रखा हुआ था, जिस पर उनका यह भी कहना था कि मजबूत बलदियाती निजाम अवामी मसाइल को हल और हुकूमती साख में इजाफा करेगा। सीनियर वजीर का यह भी कहना था कि सूबाई गुजरा मलक मोहम्मद अनवर और मियाँ खालिद महमूद और हुसैन बहादुर दरेशक सैदुल हसन शाह को बलदियाती निजाम पर इजहार ख्याल करते हुए उनका यह भी कहना था कि ये इनकी मुशावरत से तमाम तर जो है इजलास के हवाले से बता रहे थे इमरान मलिक, शुक्रिया आपका।